सो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सो गाइस, आज के वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बेस्ट टू फिंगर कस्टम एचयूडी के बारे में। और गाइस, ये कस्टम एचयूडी जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा, इसको अगर आप लोग यूज करते हो तो गाइस आपका मतलब वन टाइम हेडशॉट बहुत ज्यादा इजीली लगेगा। आपका मूवमेंट स्पीड भाई कतई नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। आपका सेटअप ग्लू वॉल, 360 ग्लू वॉल, मतलब सब कुछ आप लोगों का बहुत ही इजीली लगेगा। मतलब ऑल ओवर ये कस्टम एचयूडी ना, मतलब ऑल इन वन कस्टम एचयूडी है। मतलब सब कुछ आप लोग इस कस्टम एचयूडी अगर आप लोग लगाते हो तो आप लोग बहुत इजीली कर पाओगे। और फ्री फायर के मैक्सिमम प्लेयर सब टू फिंगर में ही खेलते हैं, और अगर आप लोग एक टू फिंगर प्लेयर हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है। तो प्लीज जरूर से वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस साथ ही साथ ना बेल नोटिफिकेशन भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस, अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि आपका भाई का चैनल डाउन हो जाए, तो आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और बाकी आप लोग का प्यार और सपोर्ट तो गाइस है ही, तो गाइस थैंक्स अ लॉट इतना सपोर्ट करने के लिए। सो गाइस, चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूं, जो आप लोग पहले ध्यान से सुन लो। जैसे कि आप लोग अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोग ये मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखो। फिर एंड तक देखने के बाद ना आप लोग मतलब एक दूसरा फोन लाओ जिसमें आप लोग फ्री फायर नहीं खेलते हो। मतलब एक दूसरा फोन, अपनी मम्मी का फोन ले सकते हो या फिर पापा का फोन ले सकते हो। फिर उस फोन में आप लोग मेरा ये वीडियो चलाओ, और गाइस जो जो मैं अभी मतलब करने बोलूंगा कस्टम एचयूडी में, आप लोग वो फोन में मेरा वीडियो चला के आप अपने फोन में मतलब इजीली देख के कर सकते हो, तो काफी ज्यादा ये इजी होगा आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मतलब मेरा ये वीडियो पूरा देखना है, ताकि आप लोग पहले अच्छे से समझ जाओगे, फिर आप लोग मतलब चेंज कर सकते हो। तो यही प्रोसेस करो, सबसे ज्यादा बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। सो गाइस चलो अभी बढ़ते हैं कस्टम एचयूडी के ऊपर, और सबसे पहले ही बात कर लेते कस्टम एचयूडी का जो लेफ्ट साइड है उसमें आप लोगों को क्या क्या रखना है। देखो मतलब लेफ्ट साइड में आप लोगों को क्या रखना है, एकदम कोने पे आप लोगों को छोटा करके बैग रख देना है। फिर उसके नीचे आप लोगों को मेडिकेट रख देना है, जैसे मैं रखा। और गाइस मेडिकेट के नीचे आप लोगों को ग्लू वॉल का बटन को रखना है। और गाइस ग्लू वॉल का बटन को ना आप लोग 100 कर देना, मतलब एकदम फुल 100 कर देना, क्योंकि मतलब ग्लू वॉल का बटन अगर ज्यादा बड़ा होगा तो आप लोगों का ही फायदा होगा ना, मतलब आप लोग इजीली ग्लू वॉल लगा पाओगे। तो ग्लू वॉल का बटन को ऑलवेज आप लोग 100 कर देना, और लेफ्ट साइड में मतलब मेडिकेट के नीचे रखना जैसे मैंने रखा था। तो आप लोग मतलब सेम टू सेम देख के ही वैसा करना, पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो, फिर एक दूसरा फोन में आप लोग प्रीसेट 2 में कर सकते हो। ये जो मतलब मैं अभी कस्टम एचयूडी जो दिखाऊंगा वो आप लोग प्रीसेट 2 में रखना, क्योंकि देखो एक दिन के अंदर तो आप लोग ये कस्टम एचयूडी पे एकदम सूटेबल नहीं रहोगे। तो आप लोग प्रीसेट 2 में रखना, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, फिर एक बार जब आप पूरा कंफर्टेबल हो जाओ तो आप लोग वही कस्टम एचयूडी पे पूरा शिफ्ट हो जाना। और गाइस इसके बाद जो आता है वो है स्प्रिंट बटन, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, मतलब लेफ्ट साइड में है मेरा ये स्प्रिंट बटन। और गाइस ये स्प्रिंट बटन का साइज को आपको रखना है 56, आप लोग को 56 रखना है, और जिस जगह पे मैं रखा हूँ आप लोग को सेम टू सेम उस जगह पे ही रहना है। और गाइस देखो इसके बाद आता है लेफ्ट फायर बटन, क्योंकि हम लोग तो पहले अभी लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड का कस्टम एचयूडी के बारे में बात करें, तो लेफ्ट में आता है लेफ्ट फायर बटन। अब गाइस देखो मैं तो लेफ्ट फायर बटन यूज नहीं करता, पर गाइस देखो अगर आप लोग लेफ्ट फायर बटन यूज करते हो तो आप लोग को स्प्रिंट बटन के साइड में ही लगाना है, मतलब एकदम पास में ही आप लोग को वो लेफ्ट फायर बटन को यूज करना है। और गाइस बाकी आप लोग विदाउट लेफ्ट फायर बटन भी बहुत ज्यादा ही अच्छा खेल पाओगे, मैं तो नहीं लगाता, तो आप लोग अगर चाहो तो लगा सकते हो, वरना भाई लगाने का छोड़ दो, मैं तो नहीं लगाता। तो गाइस देखो इसके बाद जो राइट वाला पोर्शन है उसके ऊपर बात करते हैं अभी। सो गाइस देखो सबसे पहले आप लोगों को जो फायर बटन है ना वो आप लोगों को राइट साइड के नीचे की तरफ रखना है, जैसे मैं रखा हूं, और थोड़ा नीचे की साइड रखना, ताकि जब भी आप लोग ड्रैग करोगे ना तो आप लोगों को ऊपर बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, और आप लोग इजीली ड्रैग कर सकते हो और बंदे को इजीली हेडशॉट लग जाएगा। और फायर बटन का साइज को आप लोगों को रखना है 55, इस फायर बटन का साइज में ना बहुत ही ज्यादा ओपी हेडशॉट लगता है, तो आप मतलब अपना फायर बटन का साइज को 55 कर लेना। और गाइस फिर आपको ये जो क्राउच बटन है मतलब बैठने का बटन है, ये आप लोगों को फायर बटन के थोड़ा साइड रखना है और थोड़ा नीचे की साइड रखना है, जैसे मैं इधर रखा हूं। और क्राउच बटन का साइज को आप लोगों को रखना है 71। फिर गाइस मतलब फायर बटन के ऊपर थोड़ा राइट के साइड में आप लोगों को रखना है जंप बटन, और जंप बटन का साइज को आप लोगों को रखना है 48। और गाइस जैसे देखो मैं जिधर रखा हूं आप लोग सेम टू सेम वैसा ही कर लेना, मतलब दूसरे एक फोन को देख के। और गाइस फिर आता है स्कोप बटन, आप गाइस स्कोप बटन आप लोगों को एकदम जंप बटन के थोड़ा ऊपर ही लगाना है, जैसे मैं रखा। और स्कोप बटन के साइज को आप लोग 32 रखना, ज्यादा बड़ा नहीं रखना, 32 रखना, और आप लोग राइट थंब से इजीली स्कोप करके बंदे को मार सकते हो। और गाइस बाकी अगर आप लोग क्विक वेपन स्विच बटन को ऑन करना चाहते हो तो गाइस आप लोग कर सकते हो, वैसे मैं तो ऑन नहीं करता, मतलब मेरा क्विक वेपन स्विच के बिना ही मतलब मैं इजीली गन स्विच कर लेता हूं। ऊपर जो मतलब गन स्विच वाला ऑप्शन है उधर से मैं कर लेता हूं, और ऊपर जो गन स्विच वाला ऑप्शन है उसका साइज को मैं रखा हूं 61। और गाइस इन सब बटन के अलावा और जो दूसरे बटन है वो आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, बाकी जो मेन मेन बटन थे वो तो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि कहां रखना है, क्या क्या साइज होना चाहिए, मतलब सब कुछ मैंने आप लोगों को बोल दिया। और ये कस्टम एचयूडी में आप लोग कुछ दिन प्रैक्टिस करो, आपका गेम प्ले भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, आपका मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाएगा, आपका मतलब ग्लू वॉल लगाने का स्पीड, हेडशॉट लगने का, सब कुछ आप लोगों का बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा, तो काफी ज्यादा
ज़्यादा अच्छा कस्टम एचयूडी है। और बाकी आप लोगों को ये कस्टम एचयूडी कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना गाइस। और गाइस बाय द वे यही था आज का वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी साथ ही साथ ऑन कर देना। सो गाइस चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।